हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अनवी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। कलर्स टीवी के विवादित रियलिटी शो बिग बॉस 13 में रश्मि शुरुआत से ही सुर्खियों में बनी हुई है। रश्मि आए दिन कभी तो अपनी दुश्मनी की वजह से लोगों की निगाहों में आ जाती हैं, तो कभी अपने प्यार की वजह से लाइमलाइट बटोर लेती हैं। उस समय बिग बॉस 13 का गेम तो और भी दिलचस्प हो गया था जब रश्मि देसाई के जाते ही उनके रूममेट बॉयफ्रेंड अरहान खान ने वाइल्ड कार्ड के तौर पर घर में एंट्री ली थी। उस वक्त सिद्धार्थ शुक्ला और अरहान खान के बीच काफी घमासान देखने को मिला था। हाल ही में एक बार फिर रश्मि देसाई ने घर में वाइल्ड कार्ड के तौर पर एंट्री ली। अभी अरहान और रश्मि के बीच कुछ खिचड़ी पकनी शुरू ही हुई थी कि एक बार फिर एलिमिनेशन का दौर शुरू हो गया। जैसे कि सभी जानते हैं कि अरहान खान बिग बॉस के घर में फैंस को कुछ ज्यादा एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि मेकर्स ने अरहान को घर से बेघर करने का फैसला कर लिया है। रिपोर्ट्स की माने तो इस हफ्ते बिग बॉस 13 से अरहान खान का पत्ता साफ होने जा रहा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि अरहान खान लाख कोशिशों के बाद भी फैंस का दिल जीतने में नाकामयाब रहे हैं। बता दें कि शो की शुरुआत से पहले मीडिया के गलियारों में ऐसी तमाम खबरें फैली थी कि बिग बॉस के घर में रश्मि देसाई और अरहान खान शादी करने वाले हैं और घर में भी इन दोनों के बीच केमिस्ट्री देखने को मिल रही थी। लेकिन कम वोट्स मिलने के कारण अरहान खान घर से जल्द ही बेघर हो सकते हैं। ऐसे में इस खबर के बाद रश्मि देसाई के फैंस तो काफी निराश होने वाले हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इस हफ्ते किसे घर से बेघर होना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बिग बॉस से जुड़ी तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।